जब भी आप गेट खोलोगे ना, फटाक से जो इसके अंदर कंडेंस वाली वाटर है वो भी खींच के बाहर की ओर फ्लो करती है। इतना तेज से गाड़ी को धक्का दे के वो गई कि मेरे को लगा कि गई गाड़ी, बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, आपका स्वागत है। आज मैं बुलेरो एसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, एक प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। वैसे एसी इसका अच्छा है, कब अच्छा है, जब 37 डिग्री के आसपास काम करे। वैसे ये एसी, चूंकि ये बुलेरो 7 सीटर है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये पीछे वाली रो के लिए कुछ भी कर सकती है, ये नहीं कर सकती। ये बहुत मुश्किल से आपकी बीच वाली रो के लिए काम करती है। वैसे अच्छा काम करती है, ऐसी बात नहीं है, आपके में अगर इंसुलेशन है तो अच्छा काम करती है, हमारे में भी है। इसमें ये जो एक नंबर है, ये पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, ये भगवान जाने, मेरे को नहीं मालूम था। ये अब 2 पे चलती है या फिर 3 पे चलती है। और अगर पीछे कोई बैठा है तो बहुत मुश्किल है कि आपका ये 2 पे काम करे। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, हल्का फुल्का ठंडा है तब तो ठीक है, नहीं ठंडा है तो फिर ये काम नहीं करता है। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं इसको 3 पे चलाता हूँ, तब ये होता है कि पीछे वाले को, पैसेंजर को आराम से अच्छी महसूस होती है। अब उसमें क्या है कि जब मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ या अगर कोई गाड़ी चलाता है, वो क्या करता है, चूँकि यहाँ से फ्लो बहुत ज़्यादा आता है ना, तो धीमा कर देते हैं। यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको अपन इधर भी स्लाइड करते हैं ना, तो भी रिफ्लेक्ट होके इधर आता है। अब यहाँ पे ठंडा लगता है, वहाँ पे गर्म लगता है। तो क्या होता है कि जैसे ही वहाँ से ब्लोवर ठंडक हवा फेंकता है ना, तो अंदर एक पूरी जाली लगी रहती है जिसके अंदर से ठंडी हवा फ्लो करती है। तो वो पूरे रेडिएटर का जैसा नहीं होता, उस टाइप से वो वहाँ पे भी होता है, उसके पीछे से हवा आती है तो वो ठंडक कर देती। अगर उसमें मॉइस्चर है ना, तो वो कंडेंस होके नीचे गिरने लगता है। तो नीचे पाइप होती है, यहाँ से वो पानी को नीचे गिरा देती है। अब मुद्दे की बात ये आते हैं, चूँकि बरसात का टाइम है तो नमी या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर रहने पर क्या रहता है कि जब भी हम इस फैन को तेज़ से चलाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर यहाँ पे उसके ऊपर और इसके ऊपर आ जाता है, मतलब हल्का सा पानी उसमें तो कमी आता है नाम मात्र, क्योंकि आप छुओगे तो जैसे हल्का सा पानी टाइप का लगेगा, बहुत कम, पर इस पे बूंदे आ जाती है। और गलती से आपने ये कांच खोल दिया ना, तो भर के बाहर निकलते, क्योंकि यहाँ का प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम रहता है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्योंकि जहाँ पे गर्म रहेगा वहाँ पे प्रेशर कम रहता है, और जहाँ पे ठंडक रहती है वहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो जब भी आप गेट खोलोगे ना, फटाक से जो इसके अंदर कंडेंस वाली वाटर है वो फिर खींच के बाहर की ओर फ्लो करती है। अब आपके पास नई वाली बुलेरो है या फिर पावर प्लस है, ये मेरा पुराना मॉडल है, 2014 का मॉडल है, 4 सिलेंडर का, 2500 cc है। तो अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती। वैसे ये 4 ही लोगों को हवा दे दे तो बहुत है, इसमें नीचे भी नहीं डला है कि चलो हो गया, नीचे से भी हवा है पैरों वैरों पर, इसमें कोई सा। और जैसे यहाँ पे बिल्कुल धुंधला हो जाता है कांच, तो अगर मैं डिफॉगर भी चलाता हूँ ना, इसका ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है। अब ये हो जाता है कि मेरे को क्या करना पड़ता है, क्योंकि ठंडक भी चाहिए, गर्मी ज़्यादा पड़ती रहती है या गर्मी कम भी है, इतनी कम तो नहीं रहती भाई, गाड़ी चला रहे हैं तो यार ठंडक थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो क्या होता है कि मेरे को मजबूरन ये हल्का हल्का कांच खोल के रखने पड़ते हैं, जिससे इसमें मॉइस्ट भी ना हो और क्या कहते हैं, ठंडक भी अंदर बनी रहे। अब ये क्या होता है कि नीचे से पूरा पानी ये ऊपर को फेंकता है, पूरे यहाँ पे चारों तरफ ऐसा लगता है कि जिससे कोहरा आ गया। ये प्रॉब्लम है, आप हो तो सके तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दें मेरे को कि आपके गाड़ी में ऐसा नहीं होता। बाकी अगर वेंड वेंड की बात करें तो ये हो गया
सेवन सीटर का पैसा मिल लगता है। बाकी एक और बात बताऊं, अगर आपके पास बुलेरो होगी तो आप जानते होंगे, बिल्ड क्वालिटी में मैं नहीं बोलूँगा, मैं बिल्ड क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि इसका जो कवर है या टिन का जो चद्दर लगा है बहुत सॉलिड लगा है। अभी मैं गाड़ी लेके आ रहा था, सामने मेरे गेट के सामने, गेट ये आपको गेट दिख रहा होगा, उस साइड पे क्या होता है कि हम लोग सुबह सुबह या शाम को कोई भी गाय, जनरली हमारे घर वाले गाय आती है तो रोटी दे देते हैं। तो क्या है, कुछ दिन शाम को हल्का हल्का बारिश हो रही थी तो गाय को नहीं मिला होगा जगह, तो यही मेरे यहाँ पे इस छत के ऊपर जिस पर गाड़ी खड़ी है इसके ऊपर शेड लगा हुआ, तो थोड़ा बाहर तक निकला हुआ है गेट के, तो वो क्या था कि वहीं पे आके बैठ। अब क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें इस गेट को, मैं उंगली के जरिए आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा उधर से एक रोड आती है और इधर को चली जाती है। गाय जब यहाँ पे बैठी थी तो मैंने क्या किया कि हार्न दिया कि चलो ये उठेगी और इधर को चली जाएगी, पर वो क्या हुआ कि वो उठी तो पर उसका मुंह इधर को था, तो वो उधर ना जाके उधर ही को घूम गई और मेरी गाड़ी बहुत करीब थी। लगभग आप अगर देखें तो जैसे ये बोनट है ना, तो बोनट से करीब 3 फीट या 4 फीट के करीब, और मेरे जैसी मेरे जैसा मेरा घर है या गैरेज जिसको बोले, सेम सिचुएशन थी कि उसको उधर जाना था तो वो उधर ना जाके इधर को लौटी, और मेरी गाड़ी थोड़ा सा लेफ्ट थी तो क्या है कि थोड़ा सा गैप इधर पे बना हुआ था, तो वो मुड़ी तो पर उसको मुड़ने की जगह नहीं थी, इतना तेज से गाड़ी को धक्का दे के वो गई कि मेरे को लगा कि गई गाड़ी, बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक के कवर लगे रहते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये जो प्लास्टिक के कवर हैं ये लगे हुए रहते हैं, तो मेरे को लगा कि ये तो गए प्लास्टिक, पर वो प्लास्टिक में नहीं टकराई थी, वो एक्चुअल में टकराई थी यहाँ पे, वो यहाँ पे टकराई हुई थी। अब आप उसका निशान भी देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, कुछ भी, मेरे को लगा कि चलो कम से कम गाड़ी तो बच गई। तो इसके कवर का चद्दर तो बहुत अच्छा है, अभी हाँ ये जरूर है कि उतना सेफ नहीं है, आप इस गाड़ी को चलाना चाहें तो वही, अब नई वाली जरूर बोलते हैं कि 110 120 के ऊपर तक जाती है, कितना भी जाए साहब, अगर डब्बा है ना तो डब्बा को ज़्यादा लहराइए नहीं, 7-8 लाख की गाड़ी में कंपनी आपको क्या क्या देते हैं, 7-8 लाख की नहीं है, ज़्यादा की है, 10-12 के करीब पड़ती है। पर भी आज के कंपैरिजन की बात करें, एसी का मैंने आपको बता दिया, एसी देखिए काम ठीक करता है, 37-38 डिग्री के ऊपर नहीं करता। कुछ लोग नाराज होंगे कि बोलेंगे नहीं मेरा बहुत ज़्यादा काम करता है, आपको मुबारक हो, आपका अच्छा काम कर रहा है, आपको मुबारक हो, मेरा थोड़ा सा कम काम करता है। बात को समझिए, इसमें एक तो टेक्नोलॉजी पुरानी है, अब चूंकि नई वाली भी आ रही है, तो साहब देखिए ना कितनी बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी है, तो इतना कवर करने में उसको टाइम लगेगा। दूसरा ये पीछे वाला वेंट नहीं है, पीछे वाला वेंट होता तो एक बार चलिए कि चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिलता ही, अब ये दो बेचारे छोटे छोटे कितना इनके दम है। आपको जब गाड़ी आप लेते हैं तो थोड़ा ये सबको देख लीजिए, वैसे एसी ठीक है, एसी ठीक है भाई, खासी लू चल रही थी, डिज़ायर लेके गए थे, जी डिज़ायर का अच्छा एसी माना जाता है, काम ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे, शायद 47-48 डिग्री था, काम ना करने की वजह ये भी थी कि हम लोग शॉर्ट सी जर्नी में गए थे, तो इतना ज़्यादा वो काम नहीं कर रहा था, तो भाई जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो बहुत मुश्किल है कि बहुत एसी काम करे, हाँ थोड़ा ट्रैवल हो जाता है तो फिर काम करने लगती है, ये भी काम करने लगती है। एसी का देखिए जितना दम रहता है उतना कम करती हैं, आप किसी भी गाड़ी में बैठेंगे एसी या जब अंदर में बैठे हैं तो वो चीज़ ये अच्छी रहती है कि आपको बाहर की एटमॉस्फेयर से आपको अंदर ठंडक रहेगी, इतना ज़रूर रहता है। दूसरी बात, सबसे सस्ती गाड़ी है तो उसने अपना स्पेस बनाने के लिए उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया, एक हिसाब से ये अच्छी खासी गाड़ी है, रूरल एरिया में आप जाते हैं, अर्बन में भी जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं है, आप इस गाड़ी को अच्छे से यूज करें। बाकी और ऐसी वीडियो देखना हो तो यहाँ
आई कार्ड पे आपको वीडियो मिलती होगी, प्लीज जरूर देखें और कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। आपका वीडियो देखने का धन्यवाद।